इस वीडियो में और आने वाली 2 से 3 फेसबुक एड्स की वीडियो में हम देखेंगे फेसबुक के ऊपर ऑडियंस रिसर्च किस तरह से की जाती है और ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह से की जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें आपके फेसबुक एड्स को सक्सेस और फेल बनाने के लिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि आपका एड सक्सेस होगा या फेल होगा। अगर आपने फेसबुक के ऊपर ऑडियंस सही से टारगेट की होंगी तो आपको फेसबुक के थ्रू बहुत ही ज्यादा सेल्स मिल सकती है। अगर आपने फेसबुक के ऊपर ऑडियंस ही गलत टारगेट की तो वहाँ पे आपको कैसे सेल्स मिलेगा और कैसे आपको प्रॉफिट होगा फेसबुक के ऊपर। तो अगर आपने ऑडियंस गलत टारगेट की फेसबुक के ऊपर तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ऑडियंस फेसबुक एड्स के अंदर आपके फेसबुक एड को सक्सेस और फेल बनाने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को और आने वाली 2 से 3 वीडियोस को आप बहुत ही केयरफुली देखना, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फेसबुक एड्स की ऑडियंस किस तरह से हम सर्च करते हैं और किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग की जाती है फेसबुक एड्स के ऊपर। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे, मेरा नाम है सैयद सिद्दीक और आप देख रहे हो डिजिटल वेंचर्स। तो इस वीडियो में हम डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस टारगेट करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको आना है फेसबुक एड्स के अंदर और आपको जो भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर फेसबुक एड्स कैंपेन क्रिएट करना है, सिंपली वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आपको एड सेट लेवल के अंदर आ जाना है। एड सेट लेवल के अंदर आपको ऑडियंस के अंदर आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन नजर आएगा कस्टम ऑडियंस का। तो कस्टम ऑडियंस क्या होती है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे इसे यूज किया जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है। कस्टम ऑडियंस आपको फेसबुक एड्स के अंदर हाई रिटर्न ला के देती है, यानी कि आपको हाई कन्वर्जन रेट ला के देती है। तो अगर आपको जानना है कस्टम ऑडियंस क्या होती है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकती हो। तो यहाँ पे हम कस्टम ऑडियंस नहीं देखेंगे, हमें आना है नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और उसके सामने आपको यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा कुछ इस तरह से। सिंपल आपको उसे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ब्राउज फीचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो हम इस वीडियो में डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करके देखेंगे और इंटरेस्ट के ऊपर हम ऑडियंस टारगेट किस तरह से करते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो हम सिर्फ इसमें डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेमोग्राफिक्स, तो मैं इसे कर लेता हूं ओपन। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑडियंस टारगेटिंग करने के। तो सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक्स के अंदर मिलता है एजुकेशन। तो मान लो आपका कोई कॉलेज है या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हो या फिर आपका कोई कोचिंग क्लास है या फिर आप कोई ई बुक सेल करना चाहते हो, तो एजुकेशन लेवल की ऑडियंस आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एजुकेशन लेवल, यानी कि आप जिन लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो जिसके पास एसोसिएट डिग्री है, या फिर आप ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो जो कॉलेज ग्रेजुएट है, या फिर आप ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो जिसके पास डॉक्टरेट डिग्री है, या फिर हाई स्कूल ग्रेजुएट है, या फिर कोई अभी कॉलेज पढ़ रहा है, या फिर कोई अभी ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहा है, या फिर कोई अभी हाई स्कूल के अंदर है, या फिर जिसके पास मास्टर डिग्री है, या फिर किसी के पास प्रोफेशनल डिग्री है। तो आप इन सारे लोगों को एड दिखा सकते हो उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से। तो आपको ये देखना है क्या ये ऑडियंस आपके लिए सही है, क्या ये आपके बिजनेस में फिट होती है। अगर ये आपके बिजनेस में फिट होती है, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ये ऑडियंस है, तो इन्हें सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो, वरना इन्हें यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, आप ऐसे लोगों को एड दिखा सकते हो जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि कोई MBA के अंदर स्टडी कर रहा है या फिर कोई कॉमर्स के अंदर कर रहा है, तो इस तरह से आप फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर उन्हें टारगेट कर सकते हो। उसके बाद स्कूल, आप स्पेसिफिक स्कूल के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हो, जैसा कि आपको बॉम्बे के अंदर किसी स्पेसिफिक स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, कोई अंडर ग्रेजुएट है तो आप उसे भी यहाँ पे एड्स दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन लेवल। उसके बाद आता है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल हमारे इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, ये US के कंट्री के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा US, तो हम इसे छोड़ देते हैं, इसे देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद आता है हमारा लाइव इवेंट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एनिवर्सरी, आप ऐसे लोगों को एड्स दिखा सकते हो जिसकी 30 डेज के अंदर एनिवर्सरी है,
तो ये किन बिजनेसेस के लिए अच्छा हो सकता है? मान लो आपका कोई गिफ्ट का बिजनेस है, आपकी कोई गिफ्ट की शॉप है, या फिर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर आपका कोई केक का बिजनेस है, तो ये उन बिजनेसेस के लिए ऑडियंस अच्छी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस इनसे रिलेटेड है, इन ऑडियंस से रिलेटेड है। अगर आपके बिजनेस की ऑडियंस ऐसी है तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। तो सिंपली इस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर आना है, लाइफ इवेंट्स के अंदर आना है, और एनिवर्सरी के अंदर आके आप इन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अवे फ्रॉम फैमिली। आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो अपनी फैमिली से दूर है। तो ये ऑडियंस किस बिजनेसेस के लिए अच्छी हो सकती है? आप रेंट पे कमरे देते हो, उन बिजनेस के लिए ऑडियंस अच्छी हो सकती है। या फिर आप सर्वेंट प्रोवाइड करते हो, उनके लिए ये ऑडियंस अच्छी हो सकती है। या फिर आपका कोई लॉन्ड्री का बिजनेस है तो उनके लिए ऑडियंस अच्छी हो सकती है। तो आपको ये सोचना है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस है, अगर है तो आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद सेम हमें यहाँ पे मिलता है अवे फ्रॉम होम टाउन, तो ये भी सेम आप वही बिजनेसेस के लिए ऑडियंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें मिलता है बर्थडे, तो हम बर्थडे के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन मिलता है बर्थडे मंथ, तो यहाँ पे आप ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो जिनका बर्थडे जनवरी के अंदर आता है, या फिर फरवरी के अंदर आता है, या मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जिस भी मंथ के अंदर बर्थडे आता है उनका, आप उन मंथ के, तो उन मंथ के ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। मान लो आपको ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाना है जिनका बर्थडे अप्रैल में आता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको बर्थडे इन अप्रैल सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी एड्स उन्हीं लोगों को दिखेंगी जिनका बर्थडे अप्रैल के अंदर आता है। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है अपकमिंग बर्थडेज, यानी कि ऐसी ऑडियंस जिनका बर्थडे 1 वीक के अंदर आने वाला है, तो आप उन्हें भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो आप इन्हें किस टाइप का एड दिखा सकते हो? मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई होटल है, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। आपका बर्थडे 1 वीक के अंदर आने वाला है, अगर आप हमारे रेस्टोरेंट पे आते हो तो हम आपको 20% का ऑफ देंगे। या फिर आपका कोई केक का बिजनेस है तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। अगर आपका कोई गिफ्ट्स का बिजनेस है तब भी आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऑडियंस आपके बिजनेस से रिलेट करती है तो ही आप इन्हें यूज करना, वरना मत करना। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ऑफ, यहाँ पे आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जिनके फ्रेंड्स का बर्थडे लास्ट 7 डेज के अंदर आने वाला है। अगर आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर आप ऐसी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो आपका एड जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो आप उन्हें भी यहाँ पे एड्स दिखा सकते हो। किसी की न्यू जॉब लगी है, आप उन्हें एड दिखा सकते हो। या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप में आया है, आप उन्हें एड दिखा सकते हो। न्यूली इंगेज, कोई 1 साल के अंदर अभी इंगेज हुआ है, आप उन्हें एड दिखा सकते हो। कोई 3 मंथ्स के अंदर इंगेज हुआ है, आप उन्हें एड दिखा सकते हो। आप इन्हें ट्रैवल्स की, ड्रिंक्स की, गिफ्ट्स की, ऐसी सारी एड्स दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर ऑल पेरेंट्स, और यहाँ पे आपको न्यूली पेरेंट्स, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो अभी 1 साल के अंदर पेरेंट बने, तो आप उन्हें एड दिखा सकते हो। तो ये किन बिजनेसेस के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? किसी का चिल्ड्रन टॉयज से रिलेटेड बिजनेस है, या फिर बेबी प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, तो जितने भी बेबी से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो आप इन पेरेंट्स को आके टारगेट कर सकते हो। तो आपको ये देखना होगा कि आपके लिए ऑडियंस परफेक्ट है, तो आप इसे यूज करना। उसके बाद अडल्ट चाइल्ड पेरेंट, आप ऐसे लोगों को एड दिखाना चाहते हो जो अडल्ट चाइल्ड के पेरेंट है, तो आप उन्हें भी यहाँ पे एड्स दिखा सकते हो। उसके बाद प्रीटीन, टीनेजर, ऐसे लोगों को एड दिखाना चाहते हो तो आप इन्हें भी दिखा सकते हो। उसके बाद आता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप स्टेटस, तो मान लो आप यहाँ पे ऐसे लोगों का एड दिखाना चाहते हो जो सिविल यूनियन है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद डिवोर्स, किसी का रिलेशनशिप डिवोर्स है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, इंगेज है, इन अ रिलेशनशिप है, मैरिज है, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, तो इन सारे ऑडियंस को भी यहाँ पे आप एड दिखा सकते हो। तो आपको देखना है कि ये आपके बिजनेस से रिलेट करती है या नहीं। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप परफेक्ट और राइट ऑडियंस को सेलेक्ट कर पाए। उसके बाद आता है वर्क्स, तो वर्क के अंदर आप इम्प्लॉयज को टारगेट कर सकते हो। तो मान लो कोई स्पेसिफिक कंपनी के अंदर इम्प्लॉयज काम करते हैं, तो आप उन इम्प्लॉयज को टारगेट करना चाहते हो। जैसा कि कोई जियो के अंदर इम्प्लॉयज है, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई IIT के अंदर इम्प्लॉय है, तो आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो, तो आप उन्हें कर सकते हो। इस तरह से आप इम्प्लॉयज के अंदर ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है इंडस्ट्री, आप कोई इंडस्ट्री के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर लोग काम करते हैं, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। कोई आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंदर काम करता है, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। कोई आर्ट, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट के अंदर काम करता है,
तो आप उन्हें कर सकते हो। कोई बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर काम करता है तो आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो तो उन्हें भी कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे थे डेमोग्राफिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं बिहेवियर के अंदर कितने हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए बिहेवियर के अंदर भी आपको एनिवर्सरी मिलती है, यानी कि जिसकी एनिवर्सरी 61 दिन से 90 दिन के अंदर आने वाली है आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो बिहेवियर के अंदर सेकंड आता है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। तो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रीज नजर आएंगे। तो हम यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंडिया के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले तो ऐसे लोग जो हाई वैल्यू गुड्स लेना पसंद करते हैं, जैसा कि गोल्ड्स हो गए और ऐसे जो भी हाई लेवल गुड्स होते हैं उन्हें लेना जो पसंद करते हैं, आप उन्हें एड दिखा सकते हो। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप हाई वैल्यू गुड्स प्रोवाइड करते हो तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है मिड हाई लेवल गुड्स। अगर आप मीडियम टाइप के हाई लेवल गुड्स बेचते हो तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल एक्टिविटी। डिजिटल एक्टिविटी के अंदर देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो विंडोज 10 यूज करते हैं, तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कैनवस गेमिंग। आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कैनवस पे गेम खेलते हैं, तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है कंसोल गेमर। आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो कंसोल पे गेम खेलते हैं, तो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंसोल से रिलेटेड बिजनेस है या फिर आप कंसोल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो सिंपली यहाँ पर आके आप इन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और अपनी एड्स रन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास फेसबुक पेमेंट्स जो यूज करता है, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास फेसबुक पेज एडमिन। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस हमें मिलती है बिहेवियर के अंदर, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप ऑडियंस को किस तरह से टारगेट कर सकते हो। आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिसका फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज है, तो सिंपली आपको फेसबुक पेज एडमिन के अंदर आना है और यहाँ से बिजनेस पेज एडमिन को कर देना है सेलेक्ट। तो आपकी एड उन लोगों को दिखेंगी जिसका फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज है। इसी तरह से आप दूसरे कैटेगरीज के पेज एडमिन को ऐड दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप दिखा सकते हो। जैसा कि किसी का कम्युनिटी एंड क्लब पेज है फेसबुक के ऊपर तो आप उन्हें ऐड दिखा सकते हो। उसके बाद फूड एंड रेस्टोरेंट का किसी का पेज है तो आप उन्हें ऐड दिखा सकते हो, या फिर किसी का हेल्थ एंड ब्यूटी का पेज है तो आप उन्हें ऐड दिखा सकते हो। उसके बाद रिटेल स्पोर्ट, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप यूज कर सकते हो। तो मान लो आपका वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट बना सकते हो फूड एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड और सिंपली यहाँ पे आके इन ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इनका ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर पेज है तो इन्हें वेबसाइट चाहिए होंगी। तो सिंपली यहाँ के आप इन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और आप क्या इन्हें दिखा सकते हो कि हम आपको फूड एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, आपका ये प्राइस है, या फिर आप जो भी आपका ऑफर होगा आप उन्हें दिखा सकते हो। इस तरह से आप फेसबुक पेज एडमिन के ऑडियंस को यूज में ले सकते हो। आपको सोचना होगा आप इन्हें किस तरह से यूज में ले सकते हो। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट के कोई प्रोडक्ट्स बेचते हो तो सिंपली आप यहाँ पर आके इसे सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी एड्स उन लोगों को दिखेंगी जिसकी फेसबुक के ऊपर स्पोर्ट के पेजेस है, या फिर आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिसके फेसबुक के ऊपर टूर एंड ट्रेवल्स का पेज है, तो सिंपली यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर देखना आपके बिजनेस से रिलेटेड ये यूज में आ सकती है या नहीं। उसके बाद हमें मिलता है इंटरनेट ब्राउजर। आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो स्पेसिफिक ब्राउजर यूज करती है, जैसा कि आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो गूगल क्रोम यूज करती है, तो सिंपल यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फायरफॉक्स के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो फायरफॉक्स यूज करते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो तो उन्हें टारगेट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते है तो उन्हें टारगेट कर सकते हो। और इस तरह से आप यहाँ पे स्पेसिफिक ब्राउजर जो यूज करते है उन्हें भी आप यहां से टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं आप उन्हें भी यहां पे एड्स दिखा सकते हो, जैसा कि कोई मैक यूज करता है तो आप उन्हें एड दिखा सकते हो, या फिर उसके बाद कोई विंडोज 7 यूज करता है तो उन्हें आप एड दिखा सकते हो, या फिर कोई विंडोज 8 यूज करता है तो आप उन्हें यहां एड दिखा सकते हो, या विंडोज विस्टा या फिर विंडोज XP। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एड दिखाना चाहते हो तो सिंपल आप दिखा सकते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है प्राइमरी ईमेल डोमेन। अगर आप ईमेल आईडी के हिसाब से ऐड दिखाना चाहते हो, जैसा कि एप्पल ईमेल यूजर जो है उन्हें आप ऐड दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, जीमेल के यूजर्स को दिखाना चाहते हो, हॉटमेल के
यूजर्स को दिखाना चाहते हो, याहू के यूजर्स को दिखाना चाहते हो, तो आप उन्हें भी दिखा सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस ओनर। तो देखिए ये भी एक अच्छी ऑडियंस है हमारे लिए। अगर आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिसके स्मॉल बिजनेसेस है, तो यहाँ से आप इस ऑडियंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी अर्ली अडॉप्टर, जिन्होंने अभी अभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, आप उन्हें भी एड्स दिखा सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपैट। एक्सपैट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको कई सारी कंट्रीज नजर आ रही होंगी। मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें इंडिया मिला। तो देखिए यहाँ पे लाइव इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पे पीपल हु यूज टू लाइव इन इंडिया हु नाउ लाइव अब्रॉड। आप ऐसी ऑडियंस को आपका एड दिखाना चाहते हो जो इंडिया के है पर रहते अब्रॉड में। तो अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है, आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो है इंडिया के पर रहते अब्रॉड में, तो आप उन्हें एड दिखा सकते हो। उसके बाद आता है मोबाइल डिवाइस यूजर। आप स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस यूजर को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ से कोई ओपन कर लेता हूँ, ऑल मोबाइल डिवाइस ब्रांड, तो यहाँ से देखिए एप्पल के यूजर्स को आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। एप्पल के स्पेसिफिक मॉडल के हिसाब से आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा कि कोई 11 प्रो यूज कर रहा है, तो आप उन लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे भी आपको कई सारे कंपनीज के यहाँ पे, जैसा कि कार्बन, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, टेक्नो, विवो, शाओमी, तो इन सारे कंपनीज के मोबाइल जो यूज करते हैं, आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। तो ये ऑडियंस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मोबाइल के कुछ चीजें बेचते हैं, जैसे कि कोई एक्सपेयर पार्ट बेचता है मोबाइल के, या फिर कोई कवर्स बेचता है, स्क्रीन गार्ड बेचता है, तो उन लोगों के लिए ये ऑडियंस परफेक्ट हो सकती है। उसके बाद मोबाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो आप उन्हें भी यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। कोई एंड्रॉइड यूज कर रहा है, कोई ISO यूज कर रहा है, कोई विंडोज यूज कर रहा है, तो आप यहाँ पे वो भी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है मोर कैटेगरीज। जो इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं, आप ऐसी ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। या फिर मार्केटिंग API डेवलपर जो है, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद मल्टी कल्चरल इंफिनिटी, ये हमारे लिए नहीं है, ये US के लिए है, तो मैं इसे कर देता हूँ कट। उसके बाद पॉलिटिक्स, ये भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है इंडिया के लिए, तो इसे भी हम नहीं देखते। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियंस आपको मिलती है, परचेज बिहेवियर, इंगेज शॉपर। तो परचेज बिहेवियर के अंदर आपको मिलता है इंगेज शॉपर, पीपल हु हैव टू क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन, शॉप नाउ इन द पास्ट पी। आप ऐसी ऑडियंस को यहाँ पे एड दिखा सकते हो जो कॉल टू एक्शन बटन पर ज्यादा क्लिक करते हैं फेसबुक के ऊपर। जैसा कि किसी ने फेसबुक के ऊपर एड रन किया और वहां पे शॉप नाउ सब्सक्राइब का बटन आता है ना, तो जो लोग उसे प्रेस करते हैं, जो वो बटन को प्रेस करते हैं, आप उन लोगों को एड दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो इसे आप टेस्ट कर सकते हो कि ये आपके लिए वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पर आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जो फेसबुक के ऊपर ज्यादा कॉल टू एक्शन बटन को क्लिक करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आता है रमजान मंथ। रमजान मंथ के कंटेंट से जो ज्यादा इंगेज होते हैं, आप उन लोगों को यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे आप कर सकते हो। ये ऑडियंस किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है, मान लो आपका क्लोथ का बिजनेस है और रमजान के अंदर क्लोथ ज्यादा बिकते हैं, तो आप सिंपली इन ऑडियंस को यूज करके फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर सकते हो। उसके बाद आता है सॉसर, फ्रेंड्स ऑफ सॉसर फैंस। आप ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो जिसके फ्रेंड्स सॉसर फैंस है, यानी कि फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सॉसर फैंस हाई कंटेंट, जो फुटबॉल के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप उन लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप दिखा सकते हो। या फिर जो फुटबॉल के नॉर्मल फैन है, वो इतने हाई फैन नहीं है फुटबॉल के, तो आप उन्हें एड्स दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेवल्स। तो ट्रैवल के अंदर सबसे पहले आता है कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब देखिए यहाँ पे, पीपल लाइकली कम्यूट फ्रॉम देयर होम टू देयर वर्क प्लेस ऑन वीक डे। ऐसे लोग जो घर से रोज वर्क प्लेस पे जाते हैं, ऐसे लोगों को आप एड दिखाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे आप दिखा सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रैवल, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, आप उन लोगों को एड दिखाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से दिखा सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल, ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हो जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप दिखा सकते हो। उसके बाद जो वीकली ट्रैवल करते हैं, आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हो, उन्हें दिखा सकते हो। जो दो हफ्ते में एक दो बार ट्रैवल करते हैं, आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप उन्हें भी यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। तो देखा आपने कितने सारे ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के अंदर, जिससे हम अपनी परफेक्ट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं।
तो आपको ये सारों को एक्सप्लोर करना होगा, आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ये ऑडियंस आपके लिए काम करेंगी या नहीं, उसके बाद आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरी है आपको डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के अंदर ऑडियंस को यूज करने के लिए। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड 2-3 ऑडियंस को आप यूज करके देखिए कैसे रिजल्ट आपको आते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आप इन्हें आगे भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से हम डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के ऑडियंस को यूज करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट के थ्रू हम ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। इंटरेस्ट के हिसाब से आप काफी सारी लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड्स के अंदर। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।